भारत और ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध 5 मैच की T20 सीरीज का दूसरी मैच में भारत ने 44 रन से ऑस्ट्रेलिया को पराजित करते हुए सीरीज में 2-0 की बढ़त ले लिया है। जबकि आज ऑस्ट्रेलिया कैप्टन मैथ्यू वेड ने टॉस जीतने के बाद भारत को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था और भारत की तरफ से ओपनर जायसवाल और ऋतुराज ने ताबड़तोड़ शुरुआत किया था और जब इनिंग्स का रन था 77 तो जायसवाल ने अपना विकेट खो दिया था, लेकिन उन्होंने उससे पहले 25 गेंद पर 53 रन बने थे जिसमें 9 चौके और 2 छक्का था। और जबकि तब ओवर था 5.5, यानी भारत ने एक तरफ से 12 की ऊपर से रन रेट से उन्होंने अपना इनिंग्स शुरू किया था। फिर ऋतुराज और ईशान किशन के बीच में भी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हुआ था और जैसे उनके साथ ईशान किशन ने भी 32 पर 52 रन बनाए थे और जबकि वाइस कैप्टन ऋतुराज ने 43 गेंद पर 58 रन बनाया था। तो उसी समय कैप्टन सूर्य कुमार ने आज तो ज़्यादा देर नहीं टिक सका, लेकिन उन्होंने स्ट्राइक रेट अच्छा रखा, 10 गेंद खेलकर 19 रन बनाया था। और रिंकू सिंह फिर से एक बार कम से कम इस शॉर्ट फॉर्मेट में उन्होंने अपने आप को सबसे बेहतर फिनिशर रूप में प्रतिष्ठित किया। आज भी उन्होंने सिर्फ 9 गेंद खेलकर उन्होंने 31 रन बनाए और नॉट आउट रहे, जिसमें 4 चौका और 2 छक्का था, यानी उनका जो स्ट्राइक रेट था 344 से भी ज़्यादा। तो उनकी बैटिंग के बदौलत भारत ने 235 रन बनाए थे जो ऑस्ट्रेलिया के सामने एक बहुत कठिन लक्ष्य था। और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से तो ऐसे बॉलिंग में ज़्यादा कोई कुछ कर नहीं सका, लेकिन नाथान एलिस ने 3 विकेट लिया था 45 रन देकर। और दूसरी तरफ से वो ऑस्ट्रेलिया ने जब बैटिंग करने उतरा तो उनका शुरुआत तो अच्छा नहीं हुआ और एक के बाद एक एक विकेट गिरने लगा। पहले विकेट गिरा मैथ्यू शॉर्ट का, जिसको रोबी बिश्नोई ने बोल्ड आउट कर दिया था। और उनकी तरफ से मार्कस स्टोनिस ने मिडिल ओवर में 25 गेंद खेलकर उन्होंने 45 रन बनाए थे। टीम डेविड ने थोड़ा सा कोशिश किया था, 22 गेंद में 37 रन बनाए थे और कैप्टन मैथ्यू वेड ने 23 गेंद खेलकर 42 रन बनाए थे, लेकिन ये जीत के लिए काफ़ी नहीं था। और एक समय तो ऑस्ट्रेलिया का जो 58 पर उनका 4 विकेट गिर गया था, तो तभी एक तरफ से मैच का लेखा जोखा खत्म हो गया था। भारत की तरफ से गेंदबाजों ने शानदार गेंदबाजी किया, जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट लिया, रवि बिश्नोई ने 3 विकेट लिया, जबकि अर्शदीप सिंह, अक्षर पटेल और मुकेश कुमार ने एक एक विकेट लिया। और इस तरह से भारत ने इस मैच को आसानी से जीत लिया। और जबकि ओपनर यशस्वी जायसवाल ने 25 गेंद पर 53 रन और 2 कैच लेने के कारण उनको प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। तो दोस्तों यही था आज का अपडेट। तो वीडियो को अच्छा लगे तो जरूर लाइक और शेयर करना, चैनल नया है तो जाकर सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना। मुलाकात तो अगली वीडियो में, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी, थैंक यू।